रेस्टोरेंट या होटल में आप बहुत सारी डिशें खा के बोर हो चुके हों तो ये वाली चिकन की डिश एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मज़ा ना आए तो कहना। 2 किलो करी कट चिकन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला, थोड़ा सा डेगी चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि नमक मिर्च मसाला जो भी है वो चिकन में अच्छे से मिल जाए दोस्तों, अंदर तक चला जाए। इसको रख लेना है साइड। अब एक मसाला बना लेते हैं भुना चिकन का। 2 टेबल स्पून यहाँ पे धनिया लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च लिया है, 3-4 लौंग, 1-2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा काला जीरा। एक पैन लेंगे और मसालों को टोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्रेगनेंस छोड़ें। ज़्यादा ओवर टोस्ट ना करें दोस्तों, नहीं तो जल जाएंगे। हल्का जैसे ये एकदम थोड़ा फ्लेवर रिलीज करने लग जाए उसके बाद इसको निकाल लेना है, एक प्लेट में ठंडा होने रख लें। जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये मिक्सी जार में इसको इस तरह से पीस लें, एकदम बारीक भी ना पीसें, थोड़ा दरदरा रहने लीजिए, उसके बाद साइड रख लें। अब आपके पास जो भी अवेलेबल बर्तन रहे, चाहे लगन हो, हंडी हो या कढ़ाई हो, उसमें डालेंगे तेल तकरीबन 350 से 400 ml। हल्का गर्म हो जाएगा तो उसमें ऐड कर लेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले हल्के फ्रेगनेंस छोड़ दें, देन उसमें ऐड कर लूँगा बारीक कटा हुआ प्याज तकरीबन 1 किलो। अब प्याज की अच्छे से भुनाई कर लेना है जब तक कि एकदम गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस का गेम होता है इन सब चीज़ों में। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑनियन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीबन मैं इस्तेमाल करूँगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी कच्चापन निकल जाए तब तक ही भून लेना है। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था हमने पहले से रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर लेना है। अब चिकन को अच्छे से भुनाई कर लें, मीडियम आंच पे चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करना है। कंटिन्यू इसको भूनते रहिएगा। इस स्टेज में इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, जो हमने पाउडर मसाले ऑलरेडी चिकन में पहले से मिक्स कराए हुए थे वो भी इसी में भून लेना चाहिए दोस्तों। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसमें चेंजेस आ चुका है। अब इस स्टेज पे जिस बॉल में हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा हुआ था उसी में से थोड़ा सा गर्म पानी डाल के और चिकन में डाल देना है। अगेन इसको भूनते रहिए तकरीबन 2 से 3 मिनट, जैसा कि मैं कह रहा हूँ मीडियम टू स्लो फ्लेम में मैं इसको भुनाई कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको भी इसी तरीके से इसको कंटिन्यूसली भूनना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। इसको फिर से ढक्कन मार के कवर कर लिया है, फिर एक बार चेक कर लेना बीच में पलटा चला के कि कितना इसमें चेंजेस आया है। तो आप देख सकते हैं मसाला कलर चेंज करते ही जा रहा है जैसे जैसे इसके अच्छे से भुनाई हो रही है। अब इस स्टेज पर थोड़ा स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं, साथ ही साथ जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ था भुना चिकन के लिए वो भी डाल देना है सारा का सारा। 3-4 ग्रीन चिली स्लिट की हुई थी वो भी ऐड कर लेना है। यहाँ पे 1 कप दही फेंट कर रखा था वो भी ऐड कर लेना है। अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड कुक कर लेना है। दही डालने के बाद फिर ग्रेवी थोड़ा बढ़ जाएगी, इसको खिटाना है दोस्तों। तो अगेन दही डालने के बाद इसको कुक करना पड़ेगा, तो 2-3 मिनट के लिए मैं इसको अगेन कुक करूँगा। तो इसको एक ढक्कन से पहले कवर कर लेंगे, 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद ढक्कन खोल के चेक करेंगे कि हमारा जो ग्रेवी है वो इसमें भुनाई हो गया है अच्छे से। आप देख सकते हैं तो फिर से इसका कलर चेंज हो चुका है, दही भी इसमें अच्छे से पक चुका है। नमक मिर्ची टेस्ट कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने टमाटर डाले हैं स्लाइस, ऑप्शनल हैं चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा नमक की कमी लग रही थी तो थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। अगेन इसको मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ी देर कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, चिकन भुना बन के तैयार हो चुका। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बहुत सारा तेल छोड़ दिया है, तो दोस्तों वो चिकन भुना ही क्या है जिसमें अगर तेल ना रहे तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा तो रहता ही इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे डाल देना हरा धनिया खूब सारा, चाहिए तो थोड़ा अदरक के लच्छे भी डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 से 4 स्टेज में चिकन कितना चेंज हो चुका है, भून भून के कुछ इस स्टेज में आ चुका है दोस्तों। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, चिकन अच्छे से कुक हो चुका है हमारा। अब इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म, मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है। तो एक बार आपको भी दिखा लेता हूं और एक पोर्शन बॉल में निकाल के एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चिकन भुना की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल सेफ सुनील सिंह को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।